गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन एट योर होम। क्लास फिफ्थ आपका चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज मीडिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्टोरेज के बारे में बताया था, बिट्स के बारे में बताया था, बाइट्स के, किलोबाइट और मेगाबाइट, जीगाबाइट्स, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊँगी कंप्यूटर मेमोरी। द कंप्यूटर स्टोर ऑल द वर्क डन ऑन इट। द कंप्यूटर्स मेमोरी इज द प्लेस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर। दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ चिप्स। दिस आर टू काइंड्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इट मीन्स कंप्यूटर पर किए गए सभी कार्य स्टोर होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी वह जगह है जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये मेमोरी चिप से बनी है। ये टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक कंप्यूटर का वह भाग जो स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी हमें उस डाटा की मात्रा बताती है जो कंप्यूटर उसके अंदर स्टोर कर सकता है। ये टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। हम इसमें डाटा रीड एंड राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोम। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। ये आमतौर पर उन कार्यक्रमों को चलाने के लिए आवश्यक प्रोग्राम और निर्देश स्टोर करता है जो कंप्यूटर को काम करने का तरीका बताते हैं। इसमें हम पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। सेकेंड है हमारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। कभी कभी ऐसी बहुत सी जानकारी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर भी नहीं की जा सकती। इस सिचुएशन में डाटा को आउटसाइड स्टोर किया जाता है, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसका यूज़ किसी भी समय किया जा सकता है। इस सिचुएशन में सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज EEPROM स्टैंड फॉर? आंसर है इसका, इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी अ कंप्यूटर हैव? कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं? आंसर है इसका, टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर रैम एंड रोम। टू टाइप्स की प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम एंड रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CD एंड DVD? CD एंड DVD में क्या डिफरेंस है? आंसर है इसका, नंबर 1, CD इज़ अ राउंड शाइनी डिस्क दैट कैन स्टोर एंड रीड डाटा एंड प्रोग्राम्स। देयर इज़ अ CD ड्राइव इन द CPU टू रन द CD। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ डाटा, 650 MB और मोर। इट मीन्स CD एक राउंड शेप में होती है, चमकदार डिस्क होती है जो प्रोग्राम के डाटा को रीड एंड स्टोर करती है। ये CPU के CD ड्राइव में लगाई जाती है। इसमें 650 MB से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारा DVD। DVD इज़ अ फ्लैट राउंड डिस्क द सेम साइज एज डेट ऑफ अ CD। इट हैज़ अ 4.7 inches diameter and is 0.05 inches thick. It can store a lot more data than a CD. The capacity varies for different types of DVDs from 2 GB to 17 GB. It means DVD एक फ्लैट राउंड डिस्क है जो साइज में बिल्कुल CD के होती है। 4.7 inches इसका डायामीटर है, 0.05 inches थिक होती है। ये भी काफ़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है, 2 GB से 17 GB तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड डिस्क ड्राइव? हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं? आंसर है इसका, इट कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ CD और DVD एंड गिव्स इन्फॉर्मेशन मच फास्टर। इट मीन्स ये एक CD और DVD की तुलना में अधिक इन्फॉर्मेशन पकड़ सकता है और इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट दे सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड लास्ट क्वेश्चन है, राइट द थ्री एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के हमें थ्री एग्जांपल देने हैं। आंसर है हमारा आ थ्री एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, नंबर वन फ्लॉपी डिस्क, नंबर टू पेन ड्राइव, नंबर थर्ड हार्ड डिस्क। नेक्स्ट वर्क है हमारा बेसिक वर्क शॉर्ट फॉर्म। फर्स्ट है हमारी कंट्रोल यूनिट यानी CU, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल यूनिट की। सेकेंड है हमारी मेमोरी यूनिट MU, थर्ड है हमारी फ्लॉपी डिस्क FT, फोर्थ है हमारी हार्ड डिस्क HD, फाइव है हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट LU, ये इन सब की शॉर्ट फॉर्म है। क्लास फिफ्थ दिस इज़ योर होमवर्क। आपको अपनी नोटबुक में मई वर्क डालकर सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट डालना है डेटा स्टोरेज मीडिया, आपको उसमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। नेक्स्ट पेपर पे आपको बेसिक वर्क डालना है, आपको शॉर्ट फॉर्म करनी है। थैंक यू।